माननीय मुख्यमंत्री जी की बुखलाहट बताती है कि कमलेश कुमारी देरा से चुनाव हार गई है। लंबे समय से मुख्यमंत्री जी का देरा में बैठना, देरा में आके अलग अलग समुदायों को, अलग अलग लोगों को अपने पास बुलाना, किसी से प्यार से बात करनी, किसी को डराना, इस प्रकार का वातावरण जो देरा के अंदर देखने को मिल रहा है, ये इस बात का सूचक है कि कांग्रेस देरा से चुनाव हार गई है। इस चुनाव हारने के पीछे अगर दोष किसी को जाएगा तो वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाएगा, क्योंकि सुक्खू जी ने पिछले 18 महीनों के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हमेशा झूठ बोला और वो बातें सारी देरा की जनता को भी नजर आ रही हैं। जिस व्यक्ति ने महिलाओं से, नौजवानों से, किसानों से, हर किसी को ये बोला कि जो भी बोला वो सारा झूठ बोला, और आज देरा की जनता को भी ये बोलकर कि देरा के अंदर जिला बनाया जाएगा। देरा की जनता पूछना चाहती है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि अगर आपके मन के अंदर देरा के प्रति इतनी ही पीड़ा थी तो जब आपने एसपी की नोटिफिकेशन की बात की, जब आपने सर्कल पीडब्ल्यूडी बनाने की बात की, आपने उन चीजों के बारे में नोटिफिकेशन का विषय लिया, तो इसकी नोटिफिकेशन का विषय क्यों नहीं आया? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां के फर्जी दामाद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी असली दामाद जसवा प्रागपुर के हैं, लेकिन देरा की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए आज ये बोल रहे हैं कि मैं देरा का दामाद हूं। और